गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं पोहा बनाने, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, यहाँ लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, धनिया का पत्ता, कड़ी पत्ता, हरी मटर, और एक पोहे को धुल के रख लिए हैं। अब रखे हैं कढ़ाई, कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल भी गरम हो चुका है और अब हम इसको इसमें डाल देंगे कुछ लहसुन, और थोड़े से इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना खाना होगा उतना आप डाल सकते हैं, और हम तो दो हरी मिर्च डाले हैं। और इसमें थोड़े से कढ़ी पत्ते डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे प्याज, हम पहले से ही प्याज चॉप करके सब कुछ रख लिए हैं। और उसके बाद इसको हम ब्राउन होने तक इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे, जब तक ये ब्राउन, धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे, देखिए अब हमारा ये ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम थोड़ी देर इसी के साथ भून लेंगे ताकि हमारा दोनों अच्छे से हो जाए। अब इसमें हम हरी मिर्च मटर डाल देंगे, हरा मटर डाल देंगे, और इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे ढक के ताकि हमारा मटर जो है अच्छे से पक जाए। देखिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए। नमक डालने से जल्दी गल जाता है, इसलिए हम इसमें पहले ही नमक डाल देते हैं ताकि हमारा मटर जो है अच्छे से पक जाए। अब देखिए हमारा मटर जो है पक चुका है, अभी तैयार हो चुका है पक के। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। आपको जो पसंद होगा वो मसाला आप डाल सकते हैं, हम तो मैगी मसाला डालते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा आता है मैगी मसाले से। इसमें भी थोड़ा हल्का फुल्का नमक होता है, तो नमक तो हम पहले से डाल ही चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि हम मैगी मसाला ज़्यादा देर तक नहीं भूनते। फिर इसमें हम पोहा डाल देंगे और पोहे को भी हम थोड़ी देर भून लेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से इसको चला चला के थोड़ी देर लो फ्लेम पे अच्छे से इसको ऐसे ही मिला लेंगे थोड़ी देर, लगभग एक मिनट दो मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसे ही भून लेंगे। और अब देखिए हमारा पोहा अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें थोड़े जो है डाल देंगे नींबू, आपको पसंद होगा तो आप डाल सकते हैं नींबू का रस, और इसमें डाल देंगे थोड़े से हरी धनिया। बस गैस बंद कर देंगे। अब देखिए हमारा बनके रेडी हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।